नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल DPT लीगल सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई भी मामला अगर कोर्ट परिवाद के रूप में दर्ज कर लेती है और 203 सीआरपीसी के अंतर्गत अगर उस मामले को चाहे परिवादी की अनुपस्थिति में, नॉन प्रेजेंस में या ऑन मेरिट अगर एक बार खारिज कर देती है तो जो परिवादी व्यक्ति है वह रिविजन फाइल करने का अधिकार उसके पास है। सबसे पहली रेमेडी ही रिविजन की है। तो ऐसा परिवादी व्यक्ति अगर रिविजन फाइल करता है तो क्या न्यायालय बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए कोई आदेश पारित करती है या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 203 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई भी परिवाद अगर खारिज किया जाता है, चाहे नॉन प्रेजेंस में चाहे अनमेरिड, तो एक बार जब ऐसा परिवाद अगर खारिज हो जाता है तो परिवाद खारिज होने के बाद जब रिवीजन फाइल किया जाता है, 397 सीआरपीसी पुनरीक्षण की शक्तियों के प्रयोग के लिए अभिलेख का मंगाया जाना, 399 सीआरपीसी सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां या 400 सीआरपीसी अपर सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां, अगर मामला मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष था, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद को खारिज किया तो, और अगर मामला स्पेशल कोर्ट के समक्ष था, स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया है तो 397 सीआरपीसी 401 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट के समक्ष जब ऐसा रिवीजन फाइल किया जाता है। और अगर मान लीजिए उस मैटर में कोई ग्राउंड नहीं है, कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में उस मैटर को निपटा देना चाहती है, तब तो फिर जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उनको कोर्ट नोटिस इशू नहीं करती है और मामले को फर्स्ट डेट में ही अगर रिवीजन में ग्राउंड नहीं है कि हाँ परिवाद आपका जो खारिज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं रिवीजन में उस आदेश को नहीं बदला जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपका रिवीजन खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को यह लगता है कि हाँ जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने या मान लीजिए स्पेशल कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आरोपी व्यक्ति हैं कोर्ट उन्हें नोटिस इशू करता है और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देता है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है दूसरे पक्ष को सुनो, आडी अल्टरम पार्टेम, और इस सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। इसके सिद्धांत के अंतर्गत जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उन्हें नोटिस दी जाती है कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखिए और फिर इस मामले को ताकि निपटाया जा सके। लेकिन अगर मान लीजिए जो आरोपी व्यक्ति हैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट फाइनली आदेश पारित कर देगा जो भी अगर मान लीजिए विधिक होगा। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि जब भी अगर ऐसी नोटिस आपको मिलती है तो आप कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से अपने उपस्थित होइए ताकि आपका पक्ष भी न्यायालय सुन सके, क्योंकि ये आपका विधिक अधिकार है और इसीलिए कोर्ट आपको नोटिस देती है कि आपके अधिकारों की कहीं ना कहीं अवहेलना ना हो। तो अगर कोई परिवाद खारिज हो, उसका रिवीजन कभी भी फाइल किया जाता है परिवादी द्वारा, तो ये प्रोसीडिंग्स अपनाई जाती हैं कोर्ट के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्यून लीगल कंटेंट देखने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्यून लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।